बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पार्ट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आज का टॉपिक हमारा है अब्स्ट्रैक्शन का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है अब्स्ट्रैक्शन वो क्या है। आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब्स्ट्रक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूज की जाती है, आज हम उसकी एक्सप्लेन करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। Abstraction is a way to cope with complexity. Cope with complexity का मतलब क्या है कि हम इंफॉर्मेशन वो वाली जो हमारी हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ Abstraction है कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलेवेंट टू करंट प्रोस्पेक्टिव। करंट प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि मैं जिस सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के कौन से एट्रीब्यूट और कौन से बिहेवियर मुझे चाहिए। एक ऑब्जेक्ट जो है या एक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बहुत से बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन हम उसको वो वाले कॉप करेंगे जो कि हमारे करंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होंगे। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि करंट सिस्टम और मैं कैसे इस चीज को अप्लाई करूंगा। जैसे कि एग्जांपल ये है कि अली इज अ पीएचडी स्टूडेंट एंड टीच बी एस स्टूडेंट, कि एक ही ऑब्जेक्ट है अली और वो बिहेव कर रहा है टू प्रोस्पेक्टिव में, वन एज अ स्टूडेंट एंड द अदर एज अ टीचर। उसके जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके जो जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, सीजीपीए, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एज है। अब मैं अगर इसको देखूं कि पीएचडी स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से इसको मैं देखूं और टीचर प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो मुझे कौन से एट्रीब्यूट्स कहां पे जरूरत है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। इसी तरह उसके बिहेवियर क्या है, स्टडी, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर, डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, ईट एंड वॉक, ये इसके बिहेवियर है एक ऑब्जेक्ट अली के। अब स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से कौन से बिहेवियर होंगे और टीचर प्रोस्पेक्टिव से कौन से बिहेवियर होंगे वो चीज नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं उसके एट्रीब्यूट्स देखूं जो कि मैंने पीछे लिस्ट डाउन किए थे, ये वाले एट्रीब्यूट्स थे उसके, ऑल एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें जो रेड कलर में मेंशन किए गए हैं ये स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव में है, उसका नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ईयर ऑफ स्टडी और सीजीपीए। और इसी तरह उसके बिहेवियर जो है वो स्टडी, गिव एग्जाम और प्ले स्पोर्ट्स। तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्स्ट्रक्शन, कि हमें वो वाले एट्रीब्यूट्स जो कि हमें अपने स्टूडेंट, अगर मैं डेवलप कर रहा हूं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो स्टूडेंट के बिहेवियर्स और उसके एट्रीब्यूट्स लूंगा। और इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं टीचर प्रोस्पेक्टिव में तो मैं उसके एट्रीब्यूट्स जो रिक्वायर्ड होंगे लाइक नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन एंड सैलरी है, तो ये एट्रीब्यूट्स मैं यहां से कॉप करूंगा। इसी तरह बिहेवियर भी, डिलीवर एग्जाम है, टेक एग्जाम है, डिलीवर लेक्चर है, तो ये वाले उसके बिहेवियर मैं कॉप करूंगा। बाकी जो एज है और ईट वॉक ये इसके जनरल ऑपरेशंस और एट्रीब्यूट्स हैं। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, मतलब के ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टिव उसका क्या है, पेट एनिमल है विद फोर लेग्स और टेल, टू आर्म एयर्स एंड शार्प टीथ है, जबकि सर्जन प्रोस्पेक्टिव से उसका स्केलेटन, उसका हार्ट, किडनी, स्टोमिक, ये बेसिकली सर्जन प्रोस्पेक्टिव है, तो इसकी एग्जाम्पल। इसी तरह अगर मैं एक कार ऑब्जेक्ट है और उसका ड्राइवर व्यू देखूंगा तो मेरे पास उसके इंटरफेसेस की बात आ रही होगी, जबकि मैं उसके इंजीनियर व्यू में देखूंगा तो फिर मैं उसके इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव सारे को देखूंगा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीजें हैं, इंजन टाइप हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद मोर डिटेल, उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये चीजें कितनी है, वो सारी उसके प्रोस्पेक्टिव को कॉप करूंगी। तो इसका एडवांटेज बेसिकली क्या है, सिंप्लीफाइज द मॉडल है बाय हाइडिंग इन रेलिवेंट डिटेल्स हैं,
Abstraction provides the freedom to defer implementation decisions by avoiding commitment to details. तो हमारे पास हम abstraction क्यों करते हैं, कहां पे हमें यूज करने की जरूरत है, हम एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टम जिसका डेवलप कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स को लिस्ट आउट करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे अब्स्ट्रक्शन प्रोसेस को, जो कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स इसकी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह उसके कौन से बिहेवियर इंपॉर्टेंट है वो हम कॉप कर लेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्स्ट्रक्शन. Thank you very much. If you have any question, any suggestions, write down in the comments. और इसी तरह आने वाली आपको videos के अंदर आपको object oriented programming के all concepts की understanding दी जाएगी और आगे आने वाली जो coming videos हैं उनमें हम implementation भी करेंगे. तो keep your eyes on our YouTube channel. आपको आने वाले नए videos में बहुत से skill oriented videos मिलने वाली है. अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.